ठीक रखना है और ठीक रखने के लिए क्या है कि एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज में दो
बच्चों में नहीं जाएगा। तो बेटे आप जो है जो तुम ये कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी तुम्हारे को इस अखाड़े तक ज्ञान लेके आया है, हमारे को भी कोई लेके आया था अखाड़े तक, चलो। और उस अखाड़े की वजह से कि आज भी हमारा मन करता है कि हम इस चीज़ में लगे रहें। हम भी बड़े ऊंचे लेवल पे पहुँच गए हैं, लेकिन मन हमारा जुड़ा रहता है। तो मैं सारे जो बच्चे हैं हमारे, सभी बच्चों से यही कहेंगे सीनियर होने के नाते, बेटे जो ना दिनचर्या बड़ी जरूरी चीज है, नित्य मतलब प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी। क्यों नहीं कि यार आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है? एक उदाहरण बताता हूँ तुम्हें कि एक बच्चा था तो उसके वहाँ भैंस थी, तो भैंस ने अपना कटिया कटिया जो मतलब वो भैंस ने अपना वो दे दिया, पाटा पाटी जो भी हम बोलते हैं। तो रोज़ क्या करता था कि उसका पिताजी कहता था कि तैने इसको ना रोज़ इसको उठाना है। रोज़ उसका पहले दूध छिपता था, फिर उस जो है ना पाटे को यहाँ रखता था, वो लेके उठ जाता था रोज़। तो रोज़ उठाता वो पाटा, पहले वो झोटा बन गया आखिरी में, उसके बाद भी रोज़ उठा लेता था उसको। लेकिन किसी दौरान हुआ क्या कि एक बार उसको अपने रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ गया बच्चे को, तो 20 दिन नहीं आया। तो 20 दिन जब नहीं आया तो 20 दिन के बाद में आके उसने वही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, तो वो उससे उठता नहीं। और इस बात का मत समझ रहे हो ना, वो रोज़ कर रहा था तो उठा रहा था उसको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो कितना भी बड़ा वजन हो, कितना भी बड़ा टारगेट हो, कितना ही बड़ा अगला पहलवान हो, कितना ही आपसे आए, लेकिन आपने नित्य आपने अगर रोज़ाना किया उस काम तो आपके बराबर कोई आ नहीं। अगर तुमने एक दिन भी मिस करने की सोची, मिस करोगे तो अपने आप का नुकसान हो जाएगा, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं। और हम जिस चीज़ की बात करते हैं, चाहे हमें हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे हमें एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हमने जैसे पढ़ाई के सारे कर रहे हो, तो जो पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उसमें भी जो ना जहाँ कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर जहाँ होता है वहाँ दिमाग भी अच्छा चलता है, स्वस्थ मन भी होता है, स्वस्थ मन के साथ बुद्धि जो ना अच्छा चलता है। तो बुद्धि को ठीक चलाने के लिए, और आधे से ज़्यादा हमारे गांव में पहले शराब का बड़ा प्रचलन था, और हमारे जो चाचा ताऊ पिताजी जो हैं उन्होंने शराब की वजह से भी नुकसान हमारे लोगों को हुआ है। तो उस चीज़ को भी तुमने देख लिया कि शराब का नुकसान, तो नशे पते से भी नशों से भी दूर रहोगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि रोज़ रोज़ करने से एक्सरसाइज का जो है ना, हमारे परिवारों में बच्चों को भी तुम कहोगे इस तरीके से जो है ना, सबको बताओगे देखे से छोटे छोटे बच्चे खैनी वैनी खा लेते हैं, गुटखा वुटखा खाते थोड़ा बहुत, अपने तो नहीं खाता वो कोई नहीं, कोई नहीं खाता ना पेप्सी गुप्सी पीने।